अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके साथ जो मैं मज़े का व्लॉग लेकर आई हूँ वो बहुत मज़े का है, और ये जो आपके सामने पड़ी हुई है चीज़, ये इसका नहीं है। कैस करें क्या है, एक सॉस के रिव्यू का। देखें, हम लोग आ गए हैं दोबारा से आपके साथ डिपिट सॉस के रिव्यू के साथ, और आज हम ये प्रमोशन क्यों करते हैं ना, कौन सा पैसे दे। हाँ, और ये हम लोग जो लाए हैं अभी न्यू वाली सॉस के इंतज़ार में थे, राफ़े की मोस्ट फेवरेट, जो राफ़े कब से कह रहे हैं, ये डिपिट हनी मस्टर्ड। हनी मस्टर्ड हमने ली है और हॉट सॉस एंड थाउजेंड आइलैंड। थाउजेंड आइलैंड हमने चेक की हुई है, बट बाकी दोनों नहीं हुए हैं। तो चलिए देखिए, आगे चल के देखते हैं हमें कैसी लगी ये सॉसेस, और आप लोगों को हम क्या बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफ़े। आज हम डिपिट खाएंगे। चलो, डिपिट सॉस के रिव्यू के साथ हम आए हैं। अब्दुल राफ़े, कैसा लग रहा है आपको इसको ओपन करना? यस, राफे इसको ओपन करें। सबसे पहले इसकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद जो है हम देखेंगे ये कैसी सॉस हमें कैसी लगी, और हम इनको ट्राई करेंगे चिकन पॉपर्स के साथ एंड चिकन समोसाज हैं हमारे पास, इनके साथ हम ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये कैसे हैं और कैसी सॉसेज हैं, और इनको नंबर्स भी देंगे हम। राफे, रेटिंग क्या रेटिंग होगी? 700। यस, नीचे से ही आपको ओपन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नीचे से होगा। अब बस नीचे से निकाल के इधर ट्रे में रख लें। अच्छा जी, पहले है जी, इसकी नहीं जरूरत। ये हमने वो किया हुआ, बट इसको शो तो करें ना। दिस वन इज 1000 है, दिस वन इज डिपिट हॉट सॉस, जिसके लिए ये पूरा जिसके लिए आया था हनी मस्टर्ड। हाँ, ये 3 का पैक है और ये 890 का पैक आया है। और वैसे जो है 395 की एक होती है, तो हमें ये जो है रीजनेबल मिली है। 3 लेंगे, 3 में आपको अच्छी मिल जाएगी, यानी कि 890 में आपको 3 डिवाइड खुद ही कर लेंगे सारे। तो आपने सबसे पहले थाउजेंड आइलैंड हमने चेक की हुई है, उसको छोड़ दें या फिर अभी मैंने वहाँ रखी है, इधर खड़ा करना है ना, यहाँ से भागता हुआ जा नहीं रहा वो कहीं। यस, हॉट सॉस आपने करनी है, हॉट सॉस इसमें थोड़ी सी इसमें डालनी है। और ये हमने वैसे चैलेंज भी करना था, कौन खा सकता है, अभी हमारे पेट में जगह नहीं है, इसलिए हम जो है ज़्यादा ख़राब है। हाँ, और अभी हम सूप पी कर रहे हैं, सूप का तो बनाया ही नहीं। सूप को भी हमने ना इन सॉस के साथ ट्राई करना था, बट हम पहले ये बिल्कुल लिक्विड है, थोड़ी सी ये सूप वाली ही थी, हॉट सॉस सूप में डलती है पता, जस्ट रफ ए ड्रॉप थोड़ा सा डालें, स्पून ला के दूँ, बस इसको मिक्स करना होता है पहले। चले खैर है, रखते हैं। आप हनी मस्टर्ड खोलो, आपका काम ओपनिंग है, मैं डाला करूँगी, छोड़ दें। टिपिट हनी मस्टर्ड खोलें। यस, मैं ट्राई कर लूँ हॉट सॉस, थोड़ी सी बातें करें ना, उसको भी मिक्सअप करना है। बातें क्या बातें, कोई फायदा नहीं, खोल दिया मैंने इतनी जल्दी। राफे ने कहा बातें कर ले, मैंने बातें करने की बजाय राफे ने खोल भी ली। राफे इसको भी मिक्स करना है, मिक्स, ये बिल्कुल हार्ड है। अच्छा, ये थिक वाली है तो बस फिर ठीक है। चलो ठीक है, वैसे ही आप चख सकते हैं अब इसके। राफे उंगली से निकाल, एक नहीं यहाँ पे लटकी हुई है ना। हाँ, उसको टेस्ट करें ना, नहीं वो मैं बाद में टेस्ट करूंगा। मुझे तो बिल्कुल मायनीज की तरह, इसको डालो ना किसी तरह, बहुत ज्यादा ना गिरे अब्दुल राफे, पता चला पूरी उल्टी हुई हो। थोड़ी सी आने वाली है, चेक करो, चेक इट, नहीं उधर की उधर ही है, चम्मच। हमने कैसे चेक किया, मैं जरा राफे का अच्छा सा रिव्यू व्यू देती हूँ। राफे ने इसको कैसे चेक किया, देखो इसके अंदर, देखो उसके अंदर घुस के देख रहा है और कैसे देखूं, ये देखे ना, ये नहीं। अच्छा, बस थोड़ी सी ऐसे रखो और आप ऊपर उठाओ, उधर की उधर ही है, चम्मच देना कोई। ओके, मैं स्पून लेके आती हूँ। ये देखिए जनाब, हमने निकाल लिया, हुआ ये कि हमने इसको रखा हुआ था फ्रिज में, फ्रिज में रखने से ये और थिक हो गया, वैसे भी ये थिक है और ज़्यादा हो जाती है। डिपिट सॉस थोड़ी लिक्विडिश है, ये देखें, सॉरी हॉट सॉस डिपिट की, सॉरी। और ये जो है हनी मस्टर्ड, ये थिक सी, और थाउजेंड आइलैंड भी थिक होती है, ठीक
ठीक है, जैसे कि जैसे मेयोनीज होती है मायनीज की तरह की। और ये चलें जी, अब हम इसको ट्राई करें राफे। पहले इसके पीछे वाला नहीं पढ़ना, पिछली दफा की तरह पढ़ें। आप रिव्यू देना चाहते हैं? ऊपर होके पढ़े, मैं आपका कैमरा ऊपर कर दिया। ऑनली मस्टर्ड इज क्राफ्टली, क्राफ्टेड केयरफुल, केयरफुली क्राफ्टेड। हनी मस्टर्ड इज केयरफुली क्राफ्टेड विद प्योर हनी एंड हाई क्वालिटी मस्टर्ड मेड इन स्मॉल बैचेस। में बेबीज पढ़ रहा बैचेस टू परफेक्टली बैलेंस द स्वीटनेस फ्रॉम हनी विद द टैंगीनेस ऑफ आवर क्लासिक मस्टर्ड फ्लेवर। सोयाबीन ऑयल, वाटर, मस्टर्ड, एग, हनी, शुगर, सॉल्ट, मॉडिफाइड फूड स्टार्ट, एसिडिटी रेगुलेटर, बड़ा ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, चलिए अब ये इसको पढ़ना है। इंग्रेडिएंट सबसे ऊपर लिखे होते हैं और ये विनेगर वाली है, अजीब सी है। हॉट सॉस इज क्राफ्टेड विद, क्या लिखा है, विद हैंड पिक्ड पेपर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। वाओ, गुड। मेसी द मैश विनेगर एज रेड पेपर स्पाइसेस सॉल्ट। बस ठीक है, बस ये स्पाइसी सॉस है और थाउजेंड आइलैंड का तो हमें पता ही है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स बता दें, इसके बस ये हैं कि ये जो है मायनीज की तरह होती है और जस्ट इसके अंदर जो है कौन सा थोड़ा सा वेजिटेबल्स का फ्लेवर होता है। आपने मेरे से पहले स्टार्ट कर दिया है, हॉट सॉस से ट्राई करें। और मैं करूँगी, मैं भी करूँगी ना फिर, वरना आप सारे खा लोगे। अब दूसरा बाइट नहीं ले सकते थे, मेरा उठा के खा लिया। हनी मस्टर्ड पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ट्राई इट विद नगेट्स, विंग्स या सैंडविच। बिग थम्स अप, आई लाइक इट। Do you like it? खास टेस्ट नहीं आया। Try it with another. थोड़ा बहुत क्लोज था कैमरा, आपने नहीं दिखाया मुझे। वैसे सॉस अच्छी लगी है, हॉट सॉस। डबल कैसे है दोनों का फ्लेवर? आप मेरे लिए हॉट सॉस छोड़ी है नहीं, बहुत थोड़ी सी डालना, बहुत ज़्यादा ही है। इसे मज़े की हॉट सॉस, दोनों का मिक्सचर ऑफ फ्लेवर बहुत मज़े का है ना। और हमने इनको नंबर भी देने हैं, जैसे थाउजेंड आइलैंड भी डाल लेते साथ। डाल लेते ऐसे नहीं, रहने दो। क्यों? चले, हमें पता ना उसका फ्लेवर। और क्या करना है, थोड़ा सा और डालना। डालना। ये तो फिर डाली गई। आपने इनके अब नंबर्स बताने हैं। मुझे राफे पूछा जाए ना, मुझे हनी मस्टर्ड से ज़्यादा मुझे वो हॉट सॉस अच्छी लगी है। और आपको ये मैं ले लूँ? अच्छा, ये जाएगा हॉट सॉस। हमने समोसा ट्राई नहीं किए, कर लेते हैं। आप पहले इसको कर लोगे? ये हॉट सॉस मैंने लगाई। यस यस, मैंने भी लगाई और मुझे हॉट सॉस। चलो मैं मिक्सचर ऑफ दोनों करती हूँ। हॉट सॉस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ किधर, ट्राई इट ऑन योर पिज़्ज़ा फ्राइज एंड बर्गर। बहुत मज़े किया, मस्टर्ड ट्राई करूँगा, टेस्टी है, यम्मी है। अब इनके दोनों के नंबर्स दो, रेटिंग 10 आउट ऑफ। ऐसा सॉस सब खाते हैं। मिर्ची नहीं है तेरी हॉट सॉस पे, मतलब हनी मस्टर्ड मुँह में डाल ले। वैसे मस्टर्ड ही है। यस हाँ, राफी को मस्टर्ड असल में पसंद है इसलिए अच्छा लगा। मुझे वो भी कोई खास क्या पसंद, ये भी खा लेते हैं। खाएं और रेटिंग बताएं, सारे लोग बैठे हुए हैं आपकी रेटिंग सुनने के लिए। इसकी अभी मैं खाई नहीं पहले, किसकी 10 में से या 100 में से? 10 आउट ऑफ 20 भी हो सकता है। समोसे का हम भूल गए थे इसलिए अभी हम समोसे में लेते हैं। चलिए समोसे का बाइट। समोसा मुझे शो भी करना लगा के सॉस, पहले आपको वो जल्दी खाने की ज़रा दिखाएं ना अपना हाथ ये, और वो कहाँ है चिली सॉस नज़र नहीं आ रही। लाल लाल हाँ, यस मैं भी चेक कर लेती हूँ। आई लव इट राफे, समोसा ही मज़ा। आई लव दिस सॉस, हॉट सॉस।
एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ यम्मी। चलो बताओ कितने की हनी मस्टर्ड को कितने नंबर दिए? पहले बड़े लोगों से शुरुआत की जाए, आप रेटिंग। बड़े लोग? मैं बड़े लोग हूँ कैसे? चैनल ओके आई एम एलेवर हब। चलो मैं बताती हूँ, डिपिट सॉस हमने चेक की हुई है पहले, तो ये डिपिट मेरी सॉस सॉरी कब से यही है 1000 आइलैंड, इसको मैं डिपिट कह देती हूँ। ओके सॉरी, 1000 आइलैंड हमने चेक की हुई है और ये तो मेरी रेटिंग इसकी टेन। आपने पहले हनी मस्टर्ड इसको भी अब्दुल आफे फनी वीडियो नहीं बन रही है, दिस इज अ सीरियस वीडियो। अच्छा चलें, 1000 आइलैंड जो है इसके मेरे 10 out of 10 थे और हॉट सॉस के 9 है, 9 हो गए और हनी मस्टर्ड के 8 मैंने ये दिए। राफे अब आपके हो गया ना, कि मेरे जितने भी थे पिछली वीडियो में वो yes. और पहले हनी मस्टर्ड अभी सोचना है, अभी भी खा कितना कुछ बता दो, अगला बंदा सो जाए आपकी बात सुनने के लिए। समझ नहीं आ रही आपसे, तो दोनों फ्लेवर्स मिक्स हो गए है ना, दोनों फ्लेवर्स मिक्स करके खाएं। और दूसरी बात है स्पाइसी है ये हॉट सॉस जैसी भी है। चलो हनी मस्टर्ड आपका ही फेवरेट था, आप लेकर आए थे, जरा बताएं ना, जरा अपनी सूरत दिखाएं। 8 दिए हैं, वैसा नहीं है जैसा मैंने पहले खाया हुआ। ओके चलें, डिपिट का हनी मस्टर्ड ओके, वो पता नहीं कौन सी कंपनीज होती हैं, बट ये वाला 9.5 था पिछले वाला 8। हां चलें, इसका मैंने दिया है हॉट सॉस के कितने 8 इसका 8.5 इसका थोड़ा सा ही ऊपर है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने तीनों सॉस का रिव्यू दिया, 1000 आइलैंड का हमने पहले से दिया हुआ अपने चैनल पर, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। हनी मस्टर्ड इज न्यू एंड हॉट सॉस इज न्यू, हॉट सॉस की जगह पे पहले थी इनकी पेरी पेरी सॉस, वो भी थोड़ी स्पाइसी सॉस है, मज़े की है, और ये भी बहुत स्पाइसी है और अच्छी है। तो बहरहाल ये सॉसेस बहुत अच्छी हैं सूप्स के साथ और डिफरेंट स्नैक्स के साथ, बट डिपिट सॉस की हनी जो मस्टर्ड है वो रफे को वैसी नहीं लगी जैसी कि और होती हैं। बहरहाल उनको पसंद थी लेकिन अच्छी नहीं लगी, सो लगी। कैसी लगी? और रफे को देखा स्पाइसीज की वजह से रफे अभी स्प्राइट पीने बैठ गए हैं। यस 8 दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, बड़ी रेयर चीज़ है। हाँ लेकिन आज आप पीना शुरू हो गए तो ये जी, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे रफे। अब आप उसको क्लोज करें और इसकी वीडियो की क्लोजिंग करें। किसको क्लोज एंड करें? अपनी बॉटल को क्लोज करें। मैंने कहा मुझे तेरी मुंह को क्लोज। हाँ कैसा है? चलिए आप रिव्यू दें, आप एक अच्छा सा लास्ट में भी 8 और 9 में नहीं, रिव्यू अबाउट कैसा, यानी कि इनको लोगों को ट्राई करनी चाहिए। अच्छा मैं रिव्यू देता हूँ, 1000 आइलैंड डिपिट की ना ले। नहीं ले ना, मुझे तो डिपिट की अच्छी लगती है। डिपिट की ना ले, दूसरी कंपनी क्या है जो हमने ली, कंसस यंग्स की है वो। यंग्स की ले अगर आपको 1000 आइलैंड लेनी है, इसकी नाम है। ओके और नेक्स्ट हॉट सॉस की बात करता हूँ, ये अच्छी लगी है मुझे, आई लाइक इट। यस दिस वन इज गुड, आप ज्यादातर फ्राइज के साथ भी खा सकते हैं वगैरह, जैसे KFC मंगवाया उसके साथ थोड़ी सी खा ली। ओके और हनी मस्टर्ड का जल्दी से रिव्यू दें, ये ना ले। हाँ, ये राफे ने इसको फिर 8 नंबर क्यों दिए, इसको 5 या 4? मतलब अब देखें ना, आप पैसे लग गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब इसको खाना। ओके जी, इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। मतलब देखें अब्दुल राफे तो पूरी रात लग जाएगी रिव्यू देने में। ओके बोलें, अब देखें ये जो है ना मजे की नहीं लगी, मतलब है तो सही जैसा आप सोच रहे थे वैसी नहीं है। ओके, एक्सपेक्टेशंस को रीच नहीं किया। ओके मैं यही बात बताई है, ठीक है तो अपने जरा एक्सप्रेशन बताएं, इस बोतल को नीचे करके छोड़ देना, आपने रिव्यू उसका देना है किसका देना है। और ये भी अच्छी है, मतलब मेरी फेवरेट नहीं है लेकिन अच्छी है, कंपनी स्प्राइट है, स्प्राइट प्रमोशन।
मेरी ये वाली शक्ल नहीं डाली, ये कट करना। कट नहीं मैंने आपको ही बीच में पिक्चर है मिली। अच्छा चलें, अच्छा हाँ चलें मन कर। अगर आपको हनी मस्टर्ड आपने पहले काफी दफा खाई हुई है, आपको पता है कैसी होती है तब, और अगर बहुत पसंद है तो तब ये आप तीनों का पैक ले। वैसे मैं कहता हूँ कि तीनों का पैक ना। और हमने तीनों का पैक किसकी वजह से लिया? इसकी वजह, क्योंकि हनी मस्टर्ड हमें अलग से नहीं मिलती, और हम जब भी जाते थे राफी हनी मस्टर्ड ढूंढते रहते थे, और हमें जब ये मिला और हमने ले ली। मैकडोनल्ड की हनी मस्टर्ड होती ना, वो देखे ना इसका कलर, देखे ना एरी नेक जैसे केलों को स्मैश करके डाल दिया ऐसा कलर है, लेकिन उसका कलर थोड़ा डार्क था, इस जैसा था लेकिन थोड़ा और येलो। ठीक हो गया। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी राफे क्या कहना चाह रहे हैं। राफे जो कहना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हनी मस्टर्ड, और हॉट सॉस अच्छी है, और थाउजेंड आइलैंड भी बहुत अच्छी का कलर। हाँ वो डार्क कलर होता है, आई नो। चलें जी, इजाज़त लें अब्दुल राफे। ओके जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और अब्दुल राफे को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये फ्लिप हो गई आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दो ट्राई हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। बस मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज अब्दुल राफे, अल्लाह हाफिज।